नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिन्हा। रुक करेंगे दिनभर की प्रमुख खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज को तेजस्वी यादव ने बताया राक्षस राज, सम्राट चौधरी ने दिया करारा जवाब। उनकी मानसिकता है, स्वाभाविक है। उनके पिताजी ने उसी असुरी ताकत से बिहार को चलाया, जंगल राज स्थापित किया था। और उनके पिताजी ने तो आज स्वयं लालू प्रसाद जी ने कहा कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। एकदम इसका हम लोग विरोध करते हैं। अति पिछड़े और दलित समाज और पिछड़ों का और स्वर्ण के गरीबों का आरक्षण किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी इंडिया खत्म नहीं होने देगा। लालू प्रसाद जी कितना भी प्रयास करें मुसलमानों को विशेष आरक्षण। प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं तो तेजस्वी यादव को खटक रहा है। तेजस्वी यादव के दिए गए बयानों पर विजय सिन्हा ने बोला हमला, कहा तुष्टीकरण की सरकार है। तेजस्वी यादव नौकरी में कमाई और यहाँ के उग्रवादी और अपराधियों को सदन में पहुँचाने में माल की कमाई लोग कहते हैं, ये सब पर जवाब देना चाहिए। अरे आज रोजगार का, स्वरोजगार का और हर गांव में पावर बिजली पहुँचाकर लोगों के जिंदगी में प्रकाश लाने का अगर जो कोई व्यक्ति का नाम है तो वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। लेकिन श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी और इनके पुत्र ये अपराधी उग्रवादी को सदन तक पहुंचाते हैं और लोगों के बीच क्या संदेश देते हैं, बिहार की क्या गरिमा बढ़ती है। अरे प्रधानमंत्री जी को तो बिहार में रेगुलर आते हैं। बिहार के प्रति उन्होंने कहा है कि विकसित भारत तभी बनेगा जब बिहार विकसित होगा और बिहार को विकसित करने के लिए ये अपराधी उग्रवादी और भ्रष्टाचारी मानसिकता से मुक्ति बहुत जरूरी है। मतदान के लिए पहुंचे चिराग पासवान घंटों लंबी कतार में खड़े रहे। लालू प्रसाद यादव पर भड़के राजीव प्रताप रूडी जमकर बोले। हम लोग तो गोली तो तब खाते थे जब छपरा में लालू जी के लोग घूमते थे। नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के राज्य में कोई ऐसे मर जाएगा हमको तो नहीं लगता है। मरना भी नहीं है भाई, वोट डालना है। पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। मरने का चुनाव, फिर से हमको सवाल जरा समझाइए, मरने का चुनाव के मतलब फिर से बोलिए। लालू यादव ने बताया है कि ये मरने का चुनाव है, जिंदा रखना है, मरना नहीं है। ऐसा तो कहीं किसी का मैनिफेस्टो नहीं है कि चुनाव में सबको मार देना है क्या? ट्वीट का अब उनका ट्वीट सर, लालू जी अपने जमाने के हैं, उनका ट्वीट कौन कर रहा है अब उनसे बता दीजिएगा। पत्रकार लोग इसे मत करवाइए, इसे बिना पूछे भी लिखते रहा है भाई। आजकल तो होता ही है सीनियर लोगों का, जूनियर लोग ट्वीट करते हैं, अब उनको हम लालू जी पढ़ेंगे तो नाराज हो जाएंगे कि भाई कौन कौन चीज लिख दे रहे हो, तो उनके लोग सब बिहार भर का मर गया ऐसा सर आप लोग बता ही दिखा। दिनभर की प्रमुख खबरों में आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे दिनभर की प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी ज्योति सिन्हा को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।